ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है गुड लक टिप्स में। दर्शकों, महाकाल हर परेशानी को हर लेते हैं, तो चलिए महामृत्युंजय मंत्र का उपयोग के साथ लाभ क्या होता है चलिए वो भी बता देते हैं आपको। तम्बिकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम रुवारुकमिव बंधनान्मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। इस महामृत्युंजय मंत्र जाप के लाभ क्या है, महत्व क्या है, आइए उसके ऊपर बात करते हैं। भविष्य पुराण कहता है कि महामृत्युंजय मंत्र का नियमित रूप से जाप करने से मनुष्य को अच्छा स्वास्थ्य मिलता है, धन की प्राप्ति होती है, समृद्धि की प्राप्ति होती है। जिनके जाप से ऐसी पॉजिटिव एनर्जी फ्लो करती है, उत्पन्न होती है, जो आपको अकाल मृत्यु के भय से तुरंत मुक्त कर देती है। इसीलिए तो महामृत्युंजय मंत्र को मोक्ष मंत्र भी कहा गया है। भगवान का नाम कभी भी लिया जा सकता है। स्नान करते समय, शरीर पर जल डालते समय इस मंत्र का लगातार जाप करते रहने से अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। तम्बिकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। बोलते बोलते नहाते जाइए, सारी बीमारियां स्वतः ही दूर हो जाएंगी। दूध ले लीजिए, दूध को निहारते हुए यदि इस मंत्र का कम से कम 11 बार जाप किया जाए, फिर उस दूध को पी लिया जाए, तो वैवाहिक जीवन सुखद हो जाता है। इस चमत्कारिक मंत्र का नित्य पाठ करने वाले मनुष्य पर भगवान भोलेनाथ की कृपा सदा बनी रहती है। इसके अलावा ग्रहों की दशा, अंतरदशा में महामृत्युंजय मंत्र का प्रयोग शीघ्र फलदायी बताया गया। शनि की 7.5 भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। शनि की 7.5 ढैया, शनि की पनौती, शनि केतु, राहु केतु, भाई का वियोग, मृत्युंजय, मृत्यु तुल्य विविध प्रकार के कष्ट, असाध्य रोग, त्रिदोष जन्य महारोग, अपने मृत्यु भय, अकाल मृत्यु जिसको कहते हैं, ऐसे अनिष्टकारी योगों में महामृत्युंजय मंत्र का प्रयोग रामबाण औषधि के समान है। शनि की महादशा में शनि तथा राहु की अनिष्टकारी अंतरदशा, केतु में केतु तथा गुरु की अनिष्टकारी अंतरदशा, रवि की महादशा में रवि की अनिष्टकारी अंतरदशा, चंद्रमा की महादशा में बृहस्पति, शनि, केतु, शुक्र तथा सूर्य की अनिष्टकारी अंतरदशा, मंगल तथा राहु की अनिष्टकारी अंतरदशा, राहु की महादशा में गुरु की चंडाल योग बनाते हुए अनिष्टकारी अंतरदशा, शुक्र की महादशा में गुरु की अनिष्टकारी अंतरदशा, मंगल तथा राहु की अंतरदशा, गुरु की महादशा में गुरु की अनिष्टकारी अंतरदशा, बुध की महादशा में मंगल गुरु और शनि की अनिष्टकारी अंतरदशा आदि। इस प्रकार मार्केश ग्रहों की दशा अंतरदशा में सविधि मृत्युंजय मंत्र का जाप, रुद्राभिषेक करने से सभी प्रकार के ग्रहों का दोष खत्म होता है। रोग जन्य अनिष्टकारी बाधाएं नष्ट होकर अभीष्ट फलों की प्राप्ति होती है। अनिष्टकारी योगों के साथ ही अभीष्ट सिद्धि, पुत्र प्राप्ति, राजपद प्राप्ति, चुनाव में विजयी होना, मान सम्मान मिलना, धन लाभ का होना, महामारी आदि विभिन्न उपद्रवों, असाध्य त्रिदोष जन्य महारोग आदि विभिन्न प्रयोजनों में सविधि प्रमाण सहित महामृत्युंजय मंत्र के जाप से मनोकामना पूर्ण होती है। महामृत्युंजय मंत्र से अनिष्टकारी योगों, असाध्य रोगों का नाश होता है, सिद्धियों की भी प्राप्ति होती है। रोग नाश और उत्तम स्वास्थ्य प्राप्ति के लिए महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए पारद के शिवलिंग का जल से अभिषेक 1.25 घंटे तक प्रतिदिन करने के बाद अभिषेक किया हुआ जल रोगी को पिला दीजिए। कितना भी असाध्य रोग हो, पुराना कष्ट देने वाला है, मृत्यु के समान कष्ट देने वाला रोग हो, उस रोग का नाश होता है, उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। यह प्रयोग लगातार कुछ दिनों तक करते रहना चाहिए, स्वयं सिद्ध प्रयोग है। स्वास्थ्य लाभ के लिए शिव मंदिर में आसन के ऊपर बैठकर अपने सामने जल से भरे तांबे के कलश को रखकर 5 माला महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। प्रत्येक माला जाप के पश्चात जल में फूंक मारते जाएं। इस प्रकार से 5 माला जाप करके
5 बार जल में फूंक मार करके उस जल को रोगी को पिला दीजिए, निश्चित तौर पे उसके हेल्थ सेक्टर में आश्चर्यजनक लाभ आपको दिखाई देगा, कैंसर जैसी बीमारियों से मुक्ति मिलती है। अचानक आए संकट के नाश के लिए महामृत्युंजय मंत्र से जायफल की आहुति देने से रोगों का नाश होता है, अचानक आए हुए संकटों का निराकरण होता है। मनोकामना पूर्ति के लिए महामृत्युंजय भगवान शिव को सावन मास में शिवरात्रि के दिन 108 नींबुओं की माला पहनाइए। अमावस्या को माला उतारकर नींबुओं को अलग अलग करें। मृत्युंजय मंत्र से नींबू का हवन करने से कोई भी मनोकामना पूर्ण हो सकती है। ग्रहों की शांति के लिए, सुख समृद्धि ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए रविवार को तांबे के पात्र में जल, गुड़ और लाल चंदन मिलाकर मृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए शिवलिंग पर चढ़ाने से सुख समृद्धि ऐश्वर्य मान सम्मान सूर्य ग्रह की कृपा प्राप्त होती है। मानसिक शांति और मनोकामना की पूर्ति के लिए हर सोमवार को चांदी अथवा स्टील के पात्र में जल में दूध, सफेद तिल, शक्कर मिलाकर मृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए शिवलिंग पर चढ़ाने से मेंटल पीस मिलती है, मनोकामनाओं की पूर्ति होती है, चंद्र ग्रह की शांति होती है। पंडित जी, आखिर में कुछ और उपाय भी जानना चाहेंगे आपसे। पुत्र प्राप्ति के लिए, सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति के लिए हर मंगलवार को तांबे के पात्र में जल में गुड़ मिलाकर लाल पुष्प डालकर मृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए शिवलिंग पर शिव अभिषेक करने से सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है, पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है, स्वास्थ्य लाभ होता है, शत्रुओं का नाश होता है, मंगल ग्रह की शांति होती है। धन लाभ व्यापार वृद्धि करने, उत्तम विद्या प्राप्ति के लिए हर बुधवार को कांसे के पात्र में दही शक्कर घी मिलाकर मृत्युंजय मंत्र का जाप करें, शिवलिंग के ऊपर अभिषेक करें, निश्चित तौर पर बुद्धि तेज होती है, मेमोरी अच्छी होती है, व्यापार में वृद्धि होकर धन लाभ मिलता है, बुध ग्रह की शांति होती है। धन धान्य पुत्र पौत्र सुख और मनोकामना की पूर्ति के लिए गुरुवार के दिन कांसे या पीतल के पात्र में जल में हल्दी मिलाकर मृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए शिवलिंग पर अभिषेक कीजिए, निश्चित तौर पर उत्तम विद्या की प्राप्ति होती है, धन धान्य पुत्र पोता आदि की प्राप्ति होती है, बृहस्पति ग्रह की शांति होती है। विवाह, संतान और भौतिक सुख साधनों की वृद्धि के लिए हर शुक्रवार को चांदी या स्टील के पात्र में जल, दूध, दही, मिश्री या शक्कर मिलाकर मृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए शिवा अभिषेक करने से निश्चित तौर पर शीघ्र विवाह के योग बनते हैं, संतान सुख प्राप्त होता है, भौतिक सुख साधनों की प्राप्ति होती, शुक्र ग्रह की शांति होती। मानसिक कष्ट, शत्रु भय, आर्थिक कष्ट निवारण, धन धान्य व्यापार की वृद्धि, राज्य प्राप्ति के लिए शनिवार को बादाम के तेल और जैतून के तेल में गुलाब और चंदन का इत्र मिलाकर एक एक करके चौमुखी यानी चार बत्ती वाला दीपक शिव मंदिर में जलाकर लोहे या स्टील के पात्र में सरसों का तेल भरकर मृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए शिवलिंग पर अर्पण करने से मानसिक कष्ट का निवारण होता है, बड़े से बड़े गुप्त शत्रुओं का नाश होता है, कोर्ट कचहरी में विजय हासिल होती है, व्यापार में उन्नति मिलती है, नौकरी में तरक्की होती है, शनि का आशीर्वाद मिलता है, कार्य क्षेत्र में राज्य की प्राप्ति होती है। और अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात आपको बता देते हैं कि बिना आस्था, श्रद्धा और विश्वास के दुनिया का कोई भी मंत्र परिणाम नहीं दे सकता है, ईश्वर में दृढ़ विश्वास होना आवश्यक है। दूसरा, आपके कर्म, अगर आपके बुरे कर्म हैं तो कोई भी मंत्र आपको शुभ परिणाम नहीं दे सकता है। कई बार दर्शक कहते हैं कि गुरुजी, हमारे घर में अमुक व्यक्ति बीमार था तो हमने आपके कहने से घर में महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करवाया, लेकिन ऐसा करने से पाठ के दौरान ही हमारा तो बीमार सदस्य चल बसा, मृत्यु हो गई। तो इसका मतलब ये नहीं है, ऐसा नहीं समझना चाहिए कि महामृत्युंजय मंत्र के जाप का कोई लाभ नहीं हुआ। साफ साफ शब्दों में कहें तो महामृत्युंजय मंत्र जाप के माध्यम से भगवान शिव से यही प्रार्थना की जाती है कि हे महादेव, आप कृपा करके हमारे बीमार संबंधी को या तो ठीक कर दीजिए या फिर उसे मोक्ष दे दीजिए, जन्म मृत्यु के बंधन से सर्वदा के लिए मुक्त कर दीजिए। यही है महामृत्युंजय मंत्र की महिमा। एक बार सब बोलिए, तंबिकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकम एव बंधनान मृत्योर्मुक्षीये मामृतात् हर हर महादेव। तो दर्शकों, उम्मीद करते हैं कि हमारा कार्यक्रम आज आपको काफी पसंद आया होगा। पंडित जी हमारे स्टूडियो में आने के लिए, दर्शकों की समस्याओं का समाधान करने के साथ साथ उन्हें इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी का आज का दिन मंगलमय हो, शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि।
तो आप सभी सोमवार से शुक्रवार हमें कॉल कर सकते हैं, जान सकते हैं अपनी समस्याओं के आसान से हल। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारा ईमेल आईडी है goodlucktips@firstindianews.com। दर्शकों फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, नमस्कार।